न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है महाशिवरात्रि, तो सभी लोगों को मेरी तरफ से सबसे पहले हैप्पी महाशिवरात्रि। भोलेनाथ आप सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आज भोले बाबा की भी एनिवर्सरी है और आज हमारे भैया और भाभी की भी एनिवर्सरी है, तो हम लोग पहले चलेंगे मंदिर, उसके बाद थोड़ा केक वक कट करेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में, चलते हैं। आज का दिन भैया और भाभी के लिए बहुत खास है, इसलिए वो पापा और मम्मी का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो फाइनली बैठ गए हैं कार में और नैना मुंह बना रही है क्योंकि नैना को बैठना था आगे। वैसे हमेशा नैना मेरे पास ही बैठती थी लेकिन मेरे पैर में चोट लगी है, इस वजह से उसको आगे नहीं बिठाया। तो कार में मस्ती करते करते हम पहुंच गए बिस्वा और ये है पत्थर शिवाला। इसी के अंदर बना है हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पत्थर शिवाला के गेट पर। अभी हम अंदर चलते हैं तो आपको भी ले चलते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी डेकोरेशन की गई हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया भोलेनाथ जी को चढ़ाने के लिए फूल और बेलपत्र। तो गाइस हमने भोले बाबा पे चढ़ाने के लिए फूल ले लिए हैं। अभी यहाँ पर हम उतार देते हैं चप्पल। यहाँ पर जूते चप्पल रखने की फ्री सेवा की गई है जो कि किया है एडवोकेट रस्तोगी जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। मंदिर में भीड़ काफी ज्यादा होती है और भीड़ में बच्चे भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर खिलौने की शॉप भी लगी हुई है ताकि बच्चे अगर खिलौने की जिद करें तो उन्हें खिलौना भी मिल जाए और इन लोगों का भला भी हो जाए। वैसे हम लोग लाइन से बाहर आ गए हैं, लाइन जो है वो मेन गेट से स्टार्ट होती है और यहाँ पर लगती है हम लोग इधर चले आए हैं। अब चलते हैं लाइन में। तो गाइज हम लोग भी लग गए लाइन में और आप लोग देख सकते हो पीछे कितनी ज्यादा भीड़ है। जब हम आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, आगे भी उतनी ही भीड़ है, इसीलिए नैना को हमने पहले ही बिठा दिया यहाँ पे। तो मंदिर की डेकोरेशन आप लोग देख ही सकते हो, इसमें बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई है लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे इसीलिए लाइट अभी ऑन नहीं हुई है, लेकिन डेकोरेशन देखकर दिल खुश हो गया। भोलेनाथ जी की शादी है, डेकोरेशन अच्छी ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गाइस मंदिर के अंदर फूल या बेलपत्र कुछ भी नहीं चढ़ेगा क्योंकि भोले बाबा जो है वो दूल्हे के रूप में सज चुके हैं, इसीलिए सब कुछ नंदी पे ही चढ़ेगा। तो बिना किसी देरी के हम आपको भी करा देते हैं भोले बाबा के दर्शन, चलिए। वैसे भीड़ काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये रहे हमारे भोले बाबा जो कि दूल्हे के रूप में तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग बताइए कि कैसे लग रहे हैं भाई, हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं। और हाँ, क्या आपके यहाँ भी महाशिवरात्रि में भोले बाबा को ऐसे ही तैयार किया जाता है, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। दर्शन तो अच्छे से कर लिए, अब प्रसाद भी ले लेते हैं। मंदिर में भीड़ काफी ज्यादा थी तो नैना जो है वो भैया के पास थी, इसीलिए आप लोगों को नहीं मिलवा पाए, तो आप लोग मिल लीजिए। अच्छा दोस्तों आप लोग एक बात बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ आसपास रहते हैं और पत्थर शिवाला आए हुए हैं, या कितने लोग ऐसे हैं जो पत्थर शिवाला आना चाहते हैं? जैसा कि मैंने बताया था भोलेनाथ जी की एनिवर्सरी के साथ साथ हमारे भैया और भाभी की भी एनिवर्सरी थी, इसीलिए हमने बुलाया था दीदी और जीजू को और अपने अंश बाबू को। तो जीजू और अंश बाबू तो आ रहे हैं, अभी दीदी नहीं दिखी। वहीं पर मिले हमारे फैन जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं, उनसे मिलकर हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा। मंदिर हमें इतना ज्यादा अच्छा लगा कि हमारा मन ही नहीं कर रहा था कि हम वहां से वापस आए। मेरा मन कर रहा था कि हम पूरी रात वहां पर रुके क्योंकि इतनी ज्यादा लाइटिंग लगी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हमें कहीं और भी जाना था इसलिए हमें वहां से जल्दी ही निकलना पड़ा।
रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है। तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो मुझे भी ब्लॉगिंग करना है, लेकिन ऐसे कौन ब्लॉगिंग करता है भाई, मैं तो करती हूँ। यहाँ पर मिट्टी की अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ बनी हुई है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। सबको वीडियो बनाता देख नैना का भी मन किया वीडियो बनाने का, तो नैना भी वीडियो शूट करने लगी। मंदिर से सीधा हम पहुँच गए होटल में, जहाँ लिया हमने केक। हमें काफी ज्यादा देर हो रही थी इसलिए हम वहीं पास के ही होटल में चले गए, किसी अच्छी जगह नहीं जा पाए। हैप्पी एनिवर्सरी भैया भाभी को, हैप्पी एनिवर्सरी। फाइनली भैया और भाभी ने अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी का केक कट कर लिया। केक कट करने के बाद हमें वहां से तुरंत निकलना पड़ा क्योंकि हमें जाना था बम्भौर, जहां पे हमें मिस्टर ऋतुराज सिंह जी ने इनवाइट किया था। वैसे बम्भौर हमारे यहां से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए हम थोड़े ही समय में बम्भौर पहुंच गए। और ये है वहां का बालेश्वर मंदिर। यहाँ पर भी मंदिर की काफी अच्छी डेकोरेशन की गई थी। जो यहाँ की शिवलिंग है आप लोग देख सकते हो, उसे दीपकों से सजाया गया है जो कि काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। गाइज आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास था क्योंकि हम पत्थर शिवाला गए, वहाँ पे भी हमें आरती करने को मिल गया, और हम बम्भौर के मंदिर गए, वहाँ पे भी हमें आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। वहीं पर आए थे MLC सर और MLA सर, जो कि नैना से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुए जब उन्हें पता चला कि इतनी छोटी सी उम्र में नैना के YouTube पे 47 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, तो वो काफी ज्यादा खुश हुए। MLC सर ने नैना को गोद में लेकर पिक क्लिक करवाई और नैना से ढेर सारी बातें की। ये है ऋतुराज अंकल जी और उनकी फैमिली। आज के इस दिन को बहुत ही खास बनाया हमारे ऋतुराज अंकल जी ने, तो उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे दिन को इतना खास बनाने के लिए। थैंक यू सो मच ऋतुराज अंकल जी, आज आपकी वजह से हमारा दिन इतना खास हो गया, तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ऐसा रहा हमारा महाशिवरात्रि का दिन जो कि हमारे लिए बहुत ही खास था। आई होप आप लोगों का हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू ब्लॉग अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।